हाँ तो गाइस, अभी मैं आपको शेर खान की आईडी दिखाने वाला हूँ और उसके स्टेट्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, और जो उसका पूरा का पूरा जो सर्वर जो रैंक है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो कब से खेल रहा है, कौन से सीज़न से खेल रहा है, और हर सीज़न में वो कौन से टीयर पे गया है, उसकी केडी कितनी की है, उसके हेडशॉट परसेंटेज क्या है, एवरेज डैमेज क्या है, वो कितनी मैचेस खेला है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखो, सब बोलते हैं ना कि हैकर बैन हो रहे हैं, हैकर बैन हो रहे हैं। ये बंदा, ठीक है, ये बंदा अभी जब मैंने देखा तो क्राउन पे था, फिर भी वो बैन नहीं हुआ। आप सोचो यहाँ तक ये आया कैसे? अगर वो उसने ब्राउन से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो चलो फिर गोल्ड पे आया होगा, फिर प्लेटिनियम पे आया होगा, डायमंड पे आया होगा, ठीक है, तो ये आया कैसे यहाँ तक? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसके आईडी डाल के कि ये बंदा वही है, रियल बंदा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको मेरा दिखा देता हूँ। अब मेरा स्टेट्स देख लो, मेरा 3.71 का KD है, मैं से 36 मैच खेला हूँ, और लास्ट जो मेरा है वो है सीज़न 9, 2.71। भाई मैं एक नूब हूँ, ठीक है, मैं एक नूब हूँ, लेकिन मैं बड़ी मेहनत से खेलता हूँ, ईमानदारी से खेलता हूँ, रैंक पुश करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये शेर खान जैसे हैकर्स मार के हमारा KD गिरा रहे हैं और हमारा रैंक गिरा रहे हैं। तो चलो, मेरी बात तो हो गई, अब पहले हम उसको सर्च करते हैं यहाँ से, कहाँ पर है भाई, एड फ्रेंड, यहाँ पर हम उसकी आईडी डालते हैं, 5446350 6350624। अभी देखो, हमने यहाँ पर गाइस सर्च कर लिया है। एक सेकंड गाइस, मैं एक मैसेज कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड को। ठीक है गाइस, देख लीजिए, यही है वो शेर खान हैकर जिसकी मैं आपको अभी वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये वो बंदा है। चलो अभी हम देखते हैं इसको, इसकी आईडी खोलते हैं। तो गाइस, ये इसकी आईडी है। सबसे पहले हम जाते हैं इसके करियर रिजल्ट पे। देखिए, ये इसकी ना लास्ट जो 10 मैचेस है इसने ये अपना ओपन करा हुआ है, जिसमें देखो इसका जो पहला है वो है क्लासिक स्क्वाड इरेंगल, ठीक है, इस स्क्वाड में खेल रहा था भाई साहब ने 16 किल किए, देख लीजिए डैमेज वैमेज सब इसका। अब इसके बाद इसकी जो लास्ट 10 मैच है वो आपको दिखाता हूँ मैं। सेकेंड डुओ 12 किल, थर्ड डुओ 14 किल, फिर भाई साहब सोलो खेले हैं लेकिन पता नहीं शायद उसमें नहीं कर पाए अच्छा परफॉर्म। उसके बाद डुओ में 19 किल, फिर डुओ में 13 किल, फिर भाई साहब डुओ में जल्दी मर गए। उसके बाद 14 किल, फिर 8 किल और 6 किल। तो ये भाई साहब के लास्ट 10 मैच के स्टेट्स है। अब हम इसके स्टेट्स में जाते हैं और जो करंट स्टेट्स हम उसकी बात करते हैं कि भाई साहब सोलो नहीं खेलते ज़्यादा, मोस्टली ये डुओ खेलते हैं और स्क्वाड भी नहीं खेल रहे भाई साहब। तो डुओ में इनका आप देख लीजिए, 56 मैच में 26 विन, 43 में टॉप 10 आया है भाई साहब, 545 किल्स के साथ 18 की ऑलमोस्ट KD है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि हेडशॉट जो है वो 53.4% है। इतना हाई परसेंटेज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप चाहे एयर चलाओ या आप स्नाइपिंग करो, पर 53 पॉइंट आप लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये भाई साहब एम बोर्ड का यूज़ करते हैं इसलिए इनका 56.4% है। अब कुछ बोलेंगे तो भाई अगर एम बोर्ड यूज़ कर रहा है तो 100% क्यों नहीं? अरे गांडू लोगों, ये वॉल हैक भी तो यूज़ करता है, 100 मीटर दूर, 500 मीटर दूर, ठीक है। एम बोर्ड कब होता है? जब आप किसी सिंगल वॉल के पीछे हो या आप अगर पत्थर के पीछे हो तो वो पत्थर के वॉल के साइड में गोली चलाएगा जो आपके डायरेक्ट हेडशॉट पर लगेगा, बट ऐसी सिचुएशन हर बार नहीं बैठती है, इसलिए इसका 56.4% है। खैर चलो ठीक है, जिसको मानना है मानना, जिसको नहीं मानना नहीं मानना, वो अलग बात है। तो ये इसका अभी एक करंट सीज़न, देखते हैं कब से खेल रहा है। ओके, ये सीज़न 8 से खेल रहा है, हम इसका सीज़न 8 का देखते हैं। डुओ सोलो स्क्वाड, ओके, डुओ में पहले देखते हैं। डुओ में 143 मैच खेला है जिसमें से इसका 50 का KD और 45% हेड शॉट। ये देखो गाइस, 45% हेड शॉट है इसका। और स्क्वाड में, स्क्वाड में भी इसका यही है, 18 की KD और 47% इसका हेड शॉट है। गाइस आप देख लीजिए, सीज़न 8 के अंदर भी यही हाल है इसका। और अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सीज़न 8 सीज़न 9 में इसका जो टीयर है वो क्या था, ये कहाँ तक पहुँचा है। अभी सीज़न 9 की बात करते हैं। सीज़न 9 में भाई साहब सोलो खेले नहीं है, स्क्वाड भी नहीं खेले, लेकिन डुओ पुश करा है। डुओ में सिर्फ 95 मैच। गाइस आप कितनी मैच खेलते हो? आप मेरे ख्याल से 400-500 मैच तो खेलते होगे, तब जाके आप एस में आते होगे, तब जाके आप एस में आते होगे। गाइस एक सेकेंड, हाँ तो
गाइस हम कहाँ थे। तो ये इसका है अभी सीज़न 9 का 95 मैच में। यहाँ पे देखो 52% इसका हेड शॉट है। ठीक है गाइस, मेन चीज़ यही होती है देखने की कि हेड शॉट क्या है। तो गाइस ये तो इसके स्टेट्स थे। अब पता नहीं क्यों नहीं ये सीज़न 7 सीज़न 6 में क्यों नहीं खिलाए थे, उसका आईडी बैन हो गया होगा तो इसने फिर से स्टार्ट किया। तो अब गाइस हम जाते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है, कि ये बंदा कहाँ तक पहुँचा है। तो हम जाएंगे इसके टीयर ओवरव्यू पे। ठीक है, अभी इसके यहाँ पर हम देखते हैं, यार ये फ्रेंड मेरा क्यों बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है यार, मैं इसको ना बोल रहा हूँ, रुक जा 2 मिनट यार। चलो हम सीज़न 8 से शुरू करते हैं। सीज़न 8 में आप गाइस देखिए, ये ब्रॉन्ज पे था सोलो पे, ड्यूओ पे कॉन्करर जाके आया है 4763 पॉइंट के साथ, और स्क्वाड में क्राउन 4। और इसका सीज़न 9 क्या है, 4968 सीज़न रैंक है ये। ओवरऑल जो होता है ये वो उसका रैंक है। तो ये डुओ पे कॉन्करर गया है। और अब मैंने आपको उसके स्टेट्स भी दिखाए थे कि सीज़न 8 में उसका जो हेडशॉट है तो उसका केडी है 17 का केडी है। ठीक है, अब गाइस आप बोलोगे हाँ तो इसमें क्या हुआ, बंदा प्रो है। अबे भाई अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया इसमें तो हैक कर रहा था ना, या फिर आप उसको हैक नहीं समझते, या वो ग्लिच है या वो स्पेक्टेटिंग का वो ग्लिच है। तो गाइस ये देखिए इसका सीज़न 8 का। सीज़न 9 में मैं आपको दिखाता हूँ। सीज़न 9 में भाई साहब का, यानी ये सोलो तो खेलता है नहीं तो इसलिए वो तो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। डुओ में भाई साहब कॉन्करर जाकर आए हैं, लेकिन ये भाई साहब कॉन्करर जाकर आए हैं, आप देख सकते हो 4598 पॉइंट है। हो सकता है तब जाके उसका थोड़ा माइनस हो गया होगा, इसलिए जो लास्ट जो डिस्प्ले रहा वो एस का रहा, और स्क्वाड में प्लेटिनम 5। और अभी का जो करंट है, करंट में वो है क्राउन 2 में, डुओ में। अब गाइस आप मुझे बताओ, कॉन्करर पहुँचना हो, एस पहुँचना हो, या फिर क्राउन 1 पहुंचना हो, तो आपको कितनी मैचेस खेलनी पड़ती है। आप खुद सोचो भाई, मैं तो 300 300 400 400 मैच खेलता हूँ तो जाके मैं एस पे आता हूँ, और मेरा भी केडी कितना होता है, 3 साढ़े 3 ढाई का मेरा केडी होता है, जिसमें से मैं 50 मैच में तो हैकर की मौत मरता हूँ। तो गाइज ये देखिए, ये है शेर खान की हकीकत। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। करियर रिजल्ट हो गया, ये इसका स्टेट्स हो गया, इसका टीयर ओवरव्यू हो गया। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ टीयर में। ये देखो ये डुओ है ना, ये इसके फ्रेंड जो है फियर फ्यूरी, ये इसको आई थिंक ना रैंक पुश करवा रहा है, ये इसके साथ ही मोस्टली खेलता है हर चीज़ में। देखो यहाँ भी ये है, स्क्वाड हो या फिर वो हो, डुओ ये इसके साथ ही खेल रहा है फेरी फ्यूर। एक बार हम इसकी भी आईडी देखते हैं खोल के, अगर खुलती हो तो। चलो गाइस जाने दो, वो नहीं खुल रहा है। तो ये भाई साहब यहाँ तक है। अभी देखो कितने पॉइंट है इसके, अरे भाई रुक जा 1 सेकंड। अभी यहाँ कितने पॉइंट है इसके हम देखते हैं, 4089। और इसको अगर टॉप 100 में आना है तो कितने पॉइंट चाहिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये डुओ एशिया सर्वर है, टोटल रैंकिंग है, देख लेते हैं इसके कितने पॉइंट है, 4089 राइट। बस गाइस ये 10 पॉइंट पीछे है, और ये भाई साहब फिर टॉप 100 में आ जाएंगे, टॉप 100 में आ जाएंगे। अब ये सब बंदे देखो क्राउन 2 के, क्राउन 1 के, कोई ऊपर के बंदे सब एस में चले जाएंगे। अब ये जो बंदा है पहला, मैं आपको उसका दिखाता हूँ कॉन्करर, उसको इतने पॉइंट करने में कितनी मैचेस यूज़ हुई है, देख लीजिए इसका, आप देख लीजिए। आई थिंक ये लड़की है जो भी है, हम देखते हैं। डुओ 113 मैच, 21 का केडी भाई, हैकर्स 68% हेड शॉट। गाइस देख लो आप, ये हालत है कॉन्करर लोबी की। और फिर टेंशन बोलता है हम लोग ने बैन किए, हम लोगों ने बैन किए, क्या बैन किए। ये बंदा शेर खान 6 सीज़न 8 से, सीज़न 9 से, और अब तक खेल रहा है, कहाँ इसकी आईडी बैन हुई मुझे बताओ। अगर इसकी आईडी बैन हुई होती तो उसका सीज़न 8 सीज़न 9 नहीं दिखना चाहिए था, यानी ये बंदा बैन ही नहीं हुआ है। तो किस बेस पर टेंशन बोलता है, किस बेस पे टेंशन बोलता है कि हम इनको हैक कर रहे हैं। तो गाइस मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, टेंशन तो कुछ कर नहीं सकता, हम भी कुछ कर नहीं सकते, बस ये जो मैंने आपको आईडी नंबर दिया है ना, वो आईडी नंबर आप जब भी अपनी गेम ऑन करो ना, प्लीज़ इसको रिपोर्ट कीजिए, इसको बैन कीजिए, इसका बैन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इसी तरह सबको मारेगा, सबका रैंक गिराएगा, सबकी केड़ी गिराएगा। गाइस मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाना है, मुझे मेरा वीडियो लाइक नहीं करवाना। इवन आप अगर जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, आप मेरी वीडियो को पहले
डिसलाइक करो, लेकिन साथ साथ इसकी आईडी भी बैन करो प्लीज़ गाइस। अभी आप सुनना ऑल पे, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप गाइस ऑल पे सुनना। इसने जिस जिसको मारा ना, सब बंदे ऑल पे आके इसको गालियाँ दे रहे हैं, जितने भी बंदे हैं। आप सुनो, सब एक ही बात बोल रहे हैं, हम इतनी ईमानदारी से मेहनत से खेलते हैं, लेकिन हम ये साले हैकर्स आके हमको मार रहे हैं, हमारा केड़ी गिर रहा है और हमारा रैंक गिर रहा है। तो गाइस प्लीज़ इसको आप बैन कीजिए, इसको रिपोर्ट कीजिए, ताकि ये अगर खेले भी तो ब्रॉन्ज में आए और उसकी आपके साथ मैचिंग नहीं होगी। गाइस थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस बस मैंने आपको इसके स्टेट्स दिखाए हैं, मैंने आपको फैक्ट दिखाया है, अब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसने हम सबको मारा है। चलिए दोस्तों, तो मैं चलता हूँ, आप भी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को एक बड़ा सा थम्सअप दे दो। और हाँ, जाने से पहले मेरे सभी व्यूअर्स के लिए जोरदार तालियाँ।